रोहतक के कलानौर मोखरा रेलवे फाटक के पास संदिग्ध हालत में एक युवक का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैली हुई है। युवक की हत्या के दौरान आरोपियों ने बेरहमी की सारी हदें लांग दी हैं। पहले उसकी गर्दन दबाई और फिर पत्थर से सिर पर वार किया। इतना ही नहीं, आरोपियों ने उसके शरीर से कपड़े हटाकर नग्न हालत में रेलवे ट्रैक के किनारे फेंक दिया। मृतक की शिनाख्त प्रदीप के रूप में हुई है। इस घटना पर उसके पिता का क्या कुछ कहना है, आइए सुनते हैं। हमने ऐसे पता है कोई बढ़ गया, उस पर लोकेशन भेज दी है किसी ने और वो वीडियो दिखाई है और उसके हम फिर हमने पता लग गया जब हम आए। क्या देखा है? हमने कुछ नहीं, मन्ना नहीं देखा, वो बड़े भाई था ही दिखाया था, मन्ना तो देखा नहीं मेरा था, फिर बड़े भाई ने बताई है और जब मैं जब आए हम क्या बताई ये बताई थी, बोले प्रदीप बोले रेल की पटेट में आ गया, बोले गुजर लिया। आप आपने आकर क्या देखा? आप ये देखा, हमने ये बराबर में पड़ा है, ये रेल का ना देखता, रेल की सुमार हो। तो आपके हिसाब से क्या लग रहा है? आपको क्या लग रहा है? आप ये हत्या की है या क्या लग रहा है? ये तो इवन्यू है, उसका पट्टी ही है, या इवन्यू है मार के नहीं घसीट के गिर है, क्या ऐसे लग रहा है? ये तो आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए, इसकी मांग करते हैं। क्या पुलिस से क्या डिमांड करती है? कोई रंजिश थी किसी की? ना कोई रंजिश नहीं थी। तो क्या लगता है आपने, क्यों किसी ने मारा? क्या पता बता सका है बार की किस डाल के होया है ये बार के बता सका। क्या नाम था, क्या करता था ये? प्रदीप नाम था, गाड़ी चलाया करता, ये तो घर पर था, ये 5-6 दिनों हफ्ता था। घर से मैं रोहतक जा रहा था, फिर वो पता है, बोले मैं बाहर जा रहा हूँ, फिर बोले मैं ले जा रहा हूँ, तो ये बहुत खड़ा क्या पता क्या पता कैसे क्यों करके होया, कैसे ना होया, क्या पता कोई दुश्मनी हो किसी रंजिश हो ना? कोई रंजिश नहीं अपने गाँव में, तो कोई रंजिश नहीं अपने। शाम को कितने बजे घर से निकला था? हैं? शाम को कितने बजे घर से निकला था? शाम को होना, दिन में आया था ये, कल दोपहर ये आया है। रात भर से गायब था? हाँ, 11 बजे मैं घर से चला था, जब घर रात छोड़ के आया था, तो उसके बाद मन नहीं गया किस टाइम, 12 बजे आया कि 2 बजे आया हो घर से। तो क्या लगता है आपने हत्या कर रखी है या? ये तो विष्णु देखकर तो न्यू हजक कर रहा कि ये बतना है, ये तो मार रहा है, ये तो ऐसे लग रहा है, ये तो रेल का तड़ा हो, रेल का न्यू के मन के मन कटिया पाव है थोड़ा बहुत, तो जानबूझ के मार के यहाँ डाल रखा है। वही इस मामले में पुलिस का कहना है कि जो भी इस घटना के पीछे है उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सूचना मिली थी कि रेलवे लाइन के पास एक डेड बॉडी पड़ी है, उस सूचना पर मैं हम मौके पर पहुंचे, यहाँ पता लग गया कि एक उड़ान गाँव का है मृतक, तो इसके परिवार वालों ने शिनाख्त कर दिया, अब इसकी कार्रवाई कर रहे हैं। क्या नाम और क्या लगे पास? इसका नाम तो एक पूरा प्रदीप गाँव गुडाण है, प्रदीप सुनो सुरजवान गाँव गुडा। ये लग गया है कि इसके साथ में और कुछ साथी होंगे, तो ये इसको पीछे से घसीट के ले आए हैं और इसका गला दबा करके इसी की टी शर्ट से इसको मार करके यहाँ डाल दिया। पत्थर के निशान तो अभी तक कोई नहीं मिला है, वो हमारी ऑफिशियल टीम भी आई थी, वो तो पोस्टमार्टम के बाद में पता लगे। तो घर वालों के शक जताया किसी पर? अभी नहीं जता है, अज्ञात के खिलाफ। हाँ जल्दी कराएं। बहरहाल प्रदीप की हत्या के पीछे क्या वजह है उसका पता नहीं चल पाया है। उम्मीद है कि पुलिस जल्द ही दोषियों को गिरफ्तार कर पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने का काम करेगी। रोहतक से दीपक भारद्वाज, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।